स्टोरेज, स्टोरेज के बारे में तो आपको पता ही होगा, आपके पास मोबाइल है तो आपको पता ही होगा स्टोरेज के बारे में, जो आपको मोबाइल पे जो स्टोरेज है तो उसी को स्टोरेज आप कहते हो, तो वही स्टोरेज है। मगर यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज किसको कहते हैं आपको पता है? तो चलो इस वीडियो में जान लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज किसको कहते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं जो प्राइमरी स्टोरेज है और सेकेंडरी स्टोरेज है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बटन जो नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लो, देख क्या रहे हो यार, सब्सक्राइब प्लीज कर लो यार, सब्सक्राइब भी थोड़ा सा टाइम लगता है, सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मोटिवेट वगैरह मिलता है तो जरूर कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है? तो ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा, ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा तो जरूर कर लेना। सो गाइस यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज नाम से यहाँ पे आपको पता चल रहा है प्राइमरी स्टोरेज। सो प्राइमरी स्टोरेज यहाँ पे सबसे मेन स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो आपको डिवाइस पे प्राइमरी स्टोरेज होता ही है, प्राइमरी स्टोरेज नहीं होगा तो आपका जो डिवाइस है वो ऑन नहीं होगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपका जो मोबाइल है या कंप्यूटर है, यहाँ पे आप जब उसको ऑन करते हो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोसेसर से होके यहाँ पे आपके जाता है प्राइमरी स्टोरेज पे। यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज पे जाने के बाद यहाँ पे जो आपका डिस्प्ले वहाँ पे आता है, डिस्प्ले आता है, तो यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज नहीं होगा तो आपका जो डिस्प्ले है नहीं आएगा। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे जैसे कि रैम, रैम होता है प्राइमरी स्टोरेज, रैम रोम, तो रैम, रैम यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज है। तो प्राइमरी स्टोरेज यहाँ पे आपके पास रैम नहीं है, आप विदाउट रैम इसको ऑन करने जाओगे तो आपका जो डिस्प्ले नहीं आएगा, यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर है तो नहीं चालू होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो रैम यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज होता है, या कोई भी एप्लीकेशन जब उसको ऑन कर रहे हो या ओपन कर रहे हो, ओपन करने के बाद काम कर रहे हो यहाँ पे, उस टाइम पे रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे रैम नहीं होगा तो यहाँ पे आप उस पे ऊपर काम नहीं कर पाओगे, उसके अंदर जो भी आप काम वगैरह करोगे यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे रैम होगा तो आप उस पे ऊपर काम कर पाओगे, जो भी काम है आप उसको कर पाओगे। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टोरेज, जो भी काम वगैरह आपका कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे आप उसको सेव करना चाहते हो, यहाँ पे जो सेव होगा आपका SSD पे या हार्ड ड्राइव पे या आपका CD DVD जो अभी पिन ड्राइव पे, तो वहाँ पे आपका सेव होगा, तो जो सेव होगा वही जो स्टोरेज है तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज जो आपका रैम है उसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, और प्राइमरी स्टोरेज किसको कहते हैं मैं आपको बता दिया, और जो सेकेंडरी स्टोरेज है जो इसको कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, जो SSD हार्ड ड्राइव CD DVD जो भी जो भी है तो उसको कहते हैं। तो मुझे सबको पता चल गया होगा जो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज किसको कहते हैं नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मेन है, तो ऐसा मत समझना जो प्राइमरी स्टोरेज मुझे ज़रूरत नहीं है या सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें मेन है। यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज भी मेन है, उसका सेकेंडरी स्टोरेज भी मेन है, दोनों चीज़ें मेन है। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो भी काम है यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज पे काम होता है, उसके बाद उसको सेव करने के टाइम पे यहाँ पर जो सेव होता है सेकेंडरी स्टोरेज पे होता है, तो इसीलिए सबसे मेन चीज़ हो जाता है। कोई भी फाइल वगैरह, कोई भी काम वगैरह आप कर रहे हो तो सबसे पहले आपका जो रैम पे काम होगा, उसके बाद आपका जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज पे, जो भी स्टोर होगा आपका मेन जो स्टोर होगा यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर होगा। यहाँ पे रैम पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे स्टोर नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो 16 GB का रैम लगाते हैं या 32 GB का रैम लगाते हैं या उससे भी ऊपर रैम लगाते हैं, मगर रैम ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, जो भी स्टोर होता है यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर होता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग 1 TB 2 TB उससे भी ऊपर TB वगैरह लगा लेते हैं। तो यही है, उम्मीद है दोस्तों आपको पता चलेगा होगा प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज किसको कहते हैं ना कहते हैं, एग्जांपल वगैरह सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और इस वीडियो से कुछ भी जानने को, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ साथ शेयर कर दीजिए, और कुछ भी सवाल सुझाव कुछ भी आप देना चाहते हो तो कॉमेंट बॉक्स नीचे है, तो जाओ कॉमेंट कर दो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब बटन नीचे रेड कलर का बटन है उसको मारो पीटो जो भी करना है करो, और उसको क्लिक करने से ना तो प्राइमरी स्टोरेज पे कुछ होगा असर पड़ेगा ना तो सेकेंडरी स्टोरेज पर कुछ असर पड़ेगा, हाँ थोड़ा बहुत एनिमेशन थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, तो जरूर क्लिक करना। सो गाइस यही था, फिर मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बी सेफ एंड कीप स्माइल, बाय।